विशेष मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के विकास के लिए सांसद ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इसके साथ ही सरकार की ओर से मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कई स्मार्ट योजनाओं की शुरुआत की गई थी। लेकिन इन योजनाओं के पूरे होने पर हरियाणा के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ विकास की बात किसी मजाक से कम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल हरियाणा के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां गंदगी, बदहाली और बीमारियों की भरमार है। इन गांव में आजादी के बाद कुछ भी नहीं बदला। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों गांव तक कोई भी योजना नहीं पहुंच पाती? क्या गांव में बुनियादी विकास की जरूरत नहीं है? क्या स्मार्ट फायदे करने से सिर्फ सिटीज जो है या गाँव है वो स्मार्ट हो जाते हैं? सबसे पहले आप एक रिपोर्ट पर नजर डालिए, उसके बाद इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेक इन इंडिया बैड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैकवर्ड इंडिया, शहरों में वाईफाई, गांव में रेन की जिंदगी। कहते हैं कि देश की तरक्की का रास्ता गांव से होकर जाता है। गांव जितने खुशहाल होंगे देश उतना आगे बढ़ेगा। लेकिन हरियाणा के गांव की हकीकत जाने तो केवल बदहाली, गंदगी और बीमारियों से जूझते लोग ही नजर आएंगे। नरवाना में घरों में घुसा बारिश का पानी, सिरसा में डायरिया से दो महिलाओं की मौत, खरोंडा में डेंगू का शिकार हुआ छात्र, पानीपत के सिविल अस्पताल के कूलर में मलेरिया का लार्वा, पिहोवा में 15 सालों से बिजली का इंतजार, रादौर में खंडहर बने लाखों के बने शौचालय, कोसली में स्कूल अपग्रेडेशन के लिए सड़क पर छात्राएं, कलायत में गंदगी की वजह से 150 परिवारों ने किया पलायन। ये तो हमने मात्र कुछ गांव की तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश की है, जबकि हालात इससे भी बदतर हैं। ग्रामीणों के दर्द से दूसरी ओर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जिस देश के गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं है उस देश में बड़ी बड़ी योजनाओं का दावा किया जाता है। सांसद और विधायक गांव के विकास के लिए गांव गोद भी लेते हैं, लेकिन गांव गोद लेने के 1.5 साल बाद भी सांसदों के गांव में भी कुछ नहीं बदलता। ऐसा क्यों होता है कि करोड़ों की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी गांव में कुछ नहीं बदलता? क्यों गांव तक नहीं पहुंच पाती योजनाएं? गांव का विकास कब होगा? क्या बुनियादी विकास की जरूरत नहीं? क्या स्मार्ट वायदे करने से स्मार्ट हो जाएंगे गांव? विकास के लिए योजनाएं बनाना अच्छी बात है, लेकिन इन योजनाओं के साथ साथ जरूरत है गांव जैसे पिछड़े क्षेत्रों में योजनाओं को पहुंचाने की, तभी गांव-गांव विकास का दावा सच हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे नरवाना ही नहीं बल्कि रादौर, सिरसा, पानीपत तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। नरवाना के हालात बहुत बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर बारिश का पानी लोगों के घरों तक जा रहा है। वैसे में लोग परेशान हैं। नरवाना से हमारे साथ संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, हम नरवाना के हालात देख रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं। क्या पानी की निकासी के लिए कुछ यहाँ पर अभी तक किया गया है? कोई बंदोबस्त अभी तक हो पाया है या नहीं हो पाया? बिल्कुल, यहाँ पर ग्रामीणों में इसलिए रोष है कि काफी कहने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ये हालात अकेले अमरगढ़ गांव के नहीं है, इसी प्रकार से गांव के अंदर
और मेलर का गांव के अंदर ऐसे कई जगह कई गांव हैं जहां पर ऐसे हालात बदसे बदतर बने हुए हैं और लोग जो है पानी में डूबे रहने को मजबूर हैं, नारके जीवन जीने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, और हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि किस तरह से नरकीय जीवन ये लोग व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन क्या नरवाना में कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहा है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया जा रहा जिससे इन लोगों की समस्या का समाधान हो पाए? क्योंकि बारिश जब भी मानसून आता है तो पहले से पता होता है, तो क्या पहले से यहाँ पर बंदोबस्त नहीं किया गया कि किस तरह से पानी की निकासी हो जाएगी? कम से कम लोगों के घरों तक तो पानी ना जाए। बिल्कुल, यहाँ पर हालात इतने बदतर है, ग्रामीण है वो बीडीपीओ के पास भी जा चुके हैं, एसडीएम के पास भी जा चुके हैं, सभी अधिकारियों के पास गुहार लगा चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, वो जो बार बार घूम घूम कर जो हैरान और परेशान है, आखिरकार वो पूछ रहे हैं कि हम आखिरकार किसके पास जाएं। अब उनके पास उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर अभी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हम अनिल विज से मिलेंगे, हम मनोहरा खट्टर से मिलेंगे, हम जाम भी लगाने को प्रेरित नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन सरकार कब तक आंखें मूंदे रहती है और जो दावे हैं, विकास के दावे हैं, गांव के विकास के दावे हैं, वो आखिर कब तक हो पाते हैं? अश्विनी, लेकिन आपने लोगों से जाना होगा, लोग बीमारियों की चपेट में भी यहाँ पर आ रहे होंगे, क्योंकि अगर पानी भर रहा है लोगों के घरों में तो बीमार भी वो हो जाएंगे। बिल्कुल, ये हालात जिस तरीके से आपने फोटो में देखा है, हम ये हैरान रह गए कि आखिरकार वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, स्कूल के बच्चे बच्ची घर से स्कूल नहीं जा सकते, तो वहाँ का कोई वाहन वाहन तो गुजरना दूर की बात है, कोई पैदल भी वहाँ से नहीं गुजर सकता, आखिरकार वो इसके कैसे वो वहाँ पर रह सकता है? और मच्छर अभी जो है जैसे दौर मानसून का शुरू हुआ है और मच्छर और बीमारियां वहाँ पर जो है घेरे हुए है और बीमारी के हालात वहाँ पे बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, आप हमारे साथ जुड़े। मुकेश हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं जो कि नरवाना के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? मुकेश, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही। चलिए, इनसे कॉल नहीं हो पाया, आवाज इनकी साफ नहीं आ पाई। संदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि स्थानीय निवासी है, ग्रामीण है। संदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, सुन पा रहा हूँ। संदीप जी, आपके इलाके में किस तरह की समस्या है? क्योंकि हालात ये हैं आपके आसपास घरों में कि वहाँ घरों के अंदर पानी जा रहा है बारिश का, क्या आपने शिकायत की इस बात के लिए? मैम बहुत ही बुरा हाल है हमारे गांव में ना, जो मैन गली है ना हमारे गांव की, उसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है जी। जब बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं जी, उनको बहुत परेशानी आती है जी, बच्चों को स्कूल नहीं जा पाते जी। और अब प्रशासन से हम कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं जी कि इसके बारे में इंक्वायरी करो, तो कोई नहीं कहता जी, अभी करेंगे ऐसे करके। संदीप जी, ये हालात हर बार हो जाते होंगे क्योंकि बारिश हर बार मानसून आता है, तो ये हालात क्या हर बार ऐसे ही रहते हैं? ये हर बार ऐसा ही होता है जी। इसका अभी तक कोई सफाई समाधान नहीं, 8-9 साल हो चुके जी इसको। यानी कि जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। आपने कई बार शिकायत भी की होगी इसको लेकर अधिकारियों से? मैंने जी एसडीएम साहब से अभी हम 2 बार मिल चुके हैं एप्लीकेशन लेके इसके बारे में। क्या कहते हैं एसडीएम साहब? एसडीएम साहब कहते हैं कि अभी तो हम आराम से पूरे गांव का इलाका दौरा करेंगे, अभी जब आपकी बारी आएगी तो करवा देंगे। यानी कि वो इंतजार करते हैं कि आपकी बारी आएगी, तब तक आप वहीं रहें, तब तक आप आसपास जो गंदा इलाका है उसी में ही रहें। कैसा सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने कि जी इसका ना ग्राहक देते हैं, इंजन ले आओ इसको पानी निकालो बाहर, जो खर्चा लेते हैं ना जी सरकार से ऊपर से। संदीप, लेकिन खर्चा कमाता है और पानी निकाल देते हैं बस ऐसे ही इधर उधर खेतों में। संदीप, आपको किस तरह की परेशानी आती है? क्योंकि आप तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते होंगे, बाहर भी इतनी गंदगी है, घर के अंदर भी पानी जा रहा है, तो आप लोग कैसे वहाँ पर रह पाते हैं? मैम जब हम खाना खाते हैं तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है हमारे आसपास, हमें खाना खाने का मन ही नहीं करता जी। और ये बीमारियों से जी लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है, मच्छर मक्खी इतने तंग करते हैं रात को सोने के बाद नींद ही नहीं आती जी हमें। बिल्कुल संजीव, हम समझ पा रहे हैं आपके दर्द को कि आप किस तरह की मजबूरियों में जीने को मजबूर हैं वहां पर। लेकिन संदीप, तमाम वायदे आपसे किए गए होंगे और आदर्श गांव आपको जैसे कि पता है इस तरह की योजना सरकार लाई, आपको लगता है कोई फायदा मिल पा रहा है आप लोगों को, ग्रामीणों को उसका कोई फायदा मिल रहा है क्या? हमें तो कोई फायदा नहीं मिला जी। देखो जब ये नेता जी मंत्री जब वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारा ऐसे करेंगे, तो अब कहाँ गए जी वो जब वो वोट मांगने आते हैं तो। और किस तरह की समस्या आती है? एक तो समस्या ये है कि आपके आसपास पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है, पानी की निकासी नहीं आ रही, इस वजह से बीमारियां फैलने का भी वहाँ खतरा संदीप जी जरूर बढ़ गया होगा। ज्यादा है जी, जब हम खाना खाते हैं तो हमसे खाना नहीं खाया जाता मैम, सोया नहीं जाता, मच्छर मक्खियां इतनी हो गई है। हम तो जी मैम
घर से बेघर होने को वो हो गए हैं मैम। यानी कि आप घर से पलायन करने तक की सोच रहे हैं, इतना बुरा हाल आपके इलाके में हो चुका है। एक महीने तक अभी इंतजार करते हैं, अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो हमको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। देखिए मजबूरी है लोगों की कि इस कदर मजबूर हो चुके हैं, घरों को छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि गंदगी इतनी है, पानी भरा हुआ है आसपास। मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि साने निवासी है। मुकेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुकेश आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए मुकेश से संपर्क नहीं हो पाया। संदीप जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? संदीप जी क्या आप अब चाहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कई बार आप एसडीओ के पास गए हैं, आपने शिकायत की है, समाधान अभी तक नहीं हुआ? एसडीएम साहब के पास हम जा चुके हैं जी कई बार, हमारे पास एप्लीकेशन भी है जी उस चीज की, हमने जो उनको एप्लीकेशन दी थी। तो हमारा अगला तरीका यह है कि हम अनिल विज साहब से जाके मिले जी इसके बारे में, स्वास्थ्य मंत्री से। अगर किसी की मौत हो गई इस दौरान तो उसका जिम्मेवार कौन होगा जी? बिल्कुल संजीव जी, इससे पहले आप क्या किसी से मिले हैं, किसी अधिकारी से तो आपने बताया, लेकिन कोई नेता आपकी समस्या को जानने के लिए पहुंचा आपके पास कभी? नहीं मैम, ये नेताओं का ऐसा काम हो गया, जब वोट मांगने काम आता है तब तो आ जाते हैं ये, और जब कोई मजबूरी होती है लोगों को जब नहीं आते मैम ये हमारे पास है। बिल्कुल, जब मजबूरी है, जब आपको असल में जरूरत है कि इस वक्त हमारे पास आए और देखे कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं, कैसे हम जीने को मजबूर हैं, उस वक्त कोई आपके हालातों को जानने के लिए नहीं पहुंचता है। संजीव, लेकिन कई बार आपने कहा, फरियाद आप लगा चुके हैं, कई बार आप कह चुके हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पानी की निकासी की ही वहां पर समस्या है क्या? बरसातों में ही क्या यहां पर ये दिक्कत आती है, या वैसे भी यहां ऐसी आपके इलाके में यही दिक्कत रहती है? ये मैम परमानेंट से ऐसे ही हुआ है बस, इसका कभी कोई समाधान नहीं हुआ। जब भी कोई क्रॉनिक सोचता है तो बस अपने लालच के लिए ऊपर से ग्रांट ले लेते हैं, पानी निकलवा देते हैं, दोबारा फिर यही हाल ये होता है मैम। जब कोई मुख्यमंत्री मंत्री आता है ना तो रात रात सड़क बन जाती है मैम। तो ये तो छोटा सा काम है, अगर एक बार कोई मंत्री हमारे गांव में आके देखे ना तो ये काम नहीं रहेगा मैम। बहुत बहुत अहम बात आपने संजीव जी कही कि जब किसी मंत्री का दौरा होता होगा आपके इलाके में, आपके गाँव में, तो वही सड़कें, वही कच्ची गलियां पक्की बन जाती हैं, वही सब कुछ ठीक हो जाता है। हेलो जी, जी संजीव जी सुन रही हूँ मैं जी मैम। और अब ये आप आज हमारे इलाके में अगर कोई मंत्री आके देखे इस पानी से, जैसे हम निकलते हैं ऐसे निकल के देखे, हमारे पाँव में खारिश लग गई है मैम निकलते निकलते। बिल्कुल ये हकीकत है और इसी वजह से इतनी समस्या आ रही है। पृथ्वी सिंह जी हमारे साथ विधायक जुड़े हैं। पृथ्वी सिंह जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार जी। पृथ्वी सिंह जी, नरवाना में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, खुद हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जीना मुश्किल हो चुका है, पलायन करने को मजबूर हैं ये लोग। क्या आपको नहीं पता इनकी समस्या के बारे में? पता है जी, सारा मेरा मैंने कई बार इनके विधानसभा क्वेश्चन पुट कर लिए, कई जगह तो पानी की, यहाँ अमरगढ़ में कितना गंदा पानी है, हरिजन बस्ती सारी डूबी पड़ी है। और मैंने इनको कई बार कह लिया, एक्शन को भी कह दिया, अभी इनको कोई समाधान। आप तो विधायक हैं, विधायक साहब सिर्फ कहने भर से ही काम चल जाएगा क्या? आपने कह दिया, आपको लगता है काम हो जाएगा? अगर आपके कहने पर ही काम होना था तो अब तक हुआ क्यों नहीं? देखो जी, मैं तो इनकी बार बार आवाज उठा लग रहा हूँ, अभी मैंने इनको कहा भी था, मैं कहते इकट्ठे होकर आओ डीसी साहब के पास भी चलेंगे। और मैं भी पृथ्वी सिंह जी, आप कहाँ कहाँ गए, आपने कहाँ कहाँ अपनी बात को उठाया, आपने किन किन नेताओं को बताया कि आपके इलाके में ये हाल है? क्या जी, आपने किन किन नेताओं के पास ये फरियाद लगाई, कहाँ आपने अपनी सुनवाई रखी है? मैंने डीसी साहब को, एडीसी साहब को भी कहा था, पीछे में पानी की इसकी उस बदल में मैंने ये क्वेश्चन हुआ डिमांड भी रखी है, उसमें लिख के भी देखा है मैंने, डीसी साहब को भी, मेरे पे एक नकल मेरे पास पड़ी है। ठीक पृथ्वी सिंह जी, लेकिन आप विधायक हैं हल्के के, क्या आपको लगता है आपने सिर्फ उनको बात कह दी, बात कह देने भर से ही समस्या का समाधान हो जाएगा? आप क्या खुद जाते हैं ग्रामीणों के पास, क्योंकि ये ग्रामीण वासी तो हमें कह रहे हैं हमारे पास कोई नहीं आता, सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद कोई पूछता नहीं है इन लोगों को। मांग रखनी, बार बार बोलना, और मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो मजबूरी नहीं गिनवा सकते पृथ्वीराज सिंह जी, आप नहीं कह सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास पावर है, आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उनकी आवाज को पहुंचाना होगा आगे तक, क्योंकि जो पहले जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी ही बनती है एक विधायक होने के नाते कि आपके इलाके के हालात कैसे हैं। तो एक बात नहीं करेंगे तो मैं तो धरना लेकर बैठ जाऊंगा, तो कर सकूंगी। यानी कि आप खुद ही धरना देने की बात कर रहे हैं, आप विधायक हैं, आप कह रहे हैं अगर बात नहीं मानी जाएगी तो आप धरना देंगे, तो क्या करेंगे जी, जब को बात तो नहीं मानेगा तो फिर क्या करेंगे? चलिए आप खुद
पहला तो है नहीं है, सरकार काम तो करती ना है। उधर के जिस दिन की सरकार बनी है पौने दो साल हो गए, आज तक की ना कोई भी विकास कार्य किसी गांव में कोई एक नया पैसा भी गांव में नहीं भेजा करी। ठीक, यानी कि आप खुद विधायक हैं और अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं कि देखिए हमारी आवाज को भी नहीं सुना जा रहा है। आपने कई बार फरियाद लगाई, लेकिन वो वजह क्या है जो इस जगह को, इस गांव को इतना ज्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इतनी अनदेखी इस गांव की आखिरकार हो क्यों रही है। ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मुख्य वजह क्या है कि इस गांव के हालात सुधर नहीं रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देसी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देसी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सफ़ुरा चौक नियर पावर हाउस रोहतक। पिछली बार जो नरमे थे चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया, उसका करके नुकसान से जो लीव और चटान दवाई छिड़की ला के उसका अच्छा रिजल्ट मिला हमारे को, बहुत बढ़िया रहा। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती है। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मम्मी पीती ए टू मिल्क, पापा पीती ए टू मिल्क, दादी पीती ए टू मिल्क, दादा पीती ए टू मिल्क। हरियाणा की देसी नस्ल की साहिवाल और हरियाणा नस्ल की गायों का शुद्ध दूध वीटा ए टू मिल्क अपनाएं और बीमारियों से दूर रहने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। वीटा ए टू मिल्क है अपनी देसी गाय का बूंद बूंद गुणकारी, इसकी गजब का जायका। वीटा ए टू मिल्क अब वीटा के सभी बूथों पर उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.vitaindia.org.in से फॉर्म डाउनलोड करके और उसे भरकर vitaindia@gmail.com पर ईमेल कर रजिस्टर करवाएं, या इसके लिए आप 0172-256-0194 पर संपर्क करें।
गांव में रेंगती जिंदगी, जहां ब्रेक से पहले हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार जो विकास हम शहरों में करने की बात करते हैं वो विकास गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाता। हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं लेकिन हमारे गांव स्टार्टअप क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हमारे गांव डिजिटल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हमारे गांव में बुनियादी सुविधाएं आज भी नहीं है। शहरों में वाईफाई लगाने की बात की जा रही है लेकिन हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वहां पर तो जिंदगी रेंगती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से अभी भी जो ग्रामीण हैं वो पिछड़े हुए हैं। कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नरवाना की, सिरसा की, घरौंडा की, पानीपत की, यहाँ पर अलग अलग जगहों में हालात सामान्य हैं। एक जैसे हालात हैं यहाँ पर, समान हालात हैं। नरवाना में घरों में बारिश का पानी घुस रहा है तो सिरसा में डायरिया से 2 महिलाओं की मौत हो गई। घरौंडा की अगर बात की जाए तो वहां पर डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, डेंगू की वजह से एक छात्र शिकार उसका हो गया। पानीपत के सिविल अस्पताल में कूलर में मलेरिया के लार्वा मिले हैं। पिहोवा में 15 सालों से बिजली का इंतजार है। रादौर में लाखों के जो शौचालय बने हैं जिसको बड़े ही पैमाने पर लाया गया लेकिन वो खंडर हैं। कोसली में स्कूल अपग्रेडेशन के लिए सड़क पर छात्राएं हैं। तो ये हमारे गांव के हालात हैं। अब इन गांव के हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि गाँव से ही शुरुआत होती है भारत की, भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बचता है लेकिन उसके बावजूद भी वो स्थिति नजर नहीं आ रही। डॉक्टर संजय शर्मा जी के प्रवक्ता हैं ये। डॉक्टर संजय शर्मा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार, नमस्कार मैडम जी। डॉक्टर संजय शर्मा जी, बीजेपी ने कई नारे दिए हैं, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, आदर्श गांव की बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के गांव तो फिलहाल आदर्श नहीं है, उनकी तस्वीर तो बिल्कुल उलट नजर आ रही है, बुनियादी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर 7 साल शासन किया, हरियाणा में भी पिछले 10 साल से कांग्रेस थी और कांग्रेस ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया हरियाणा में। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा में आई है उसने ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया है और आप देखेंगे कि जितना पैसा पिछले 1.5 साल के अंदर ग्रामीण विकास के लिए दिया गया है कांग्रेस ने उसको 10 साल में भी नहीं दिया। डॉक्टर संजय शर्मा जी, कब तक ये ऐसा ही रहेगा कि आप कांग्रेस को ब्लेम करते रहेंगे? अब आपके हाथ में कमान है, आप कह रहे पैसा दिया जा रहा है लेकिन सिर्फ पैसा देने से काम होगा क्या? क्या वहां पर जाने की जरूरत नहीं है? क्या वहां के हालातों को समझने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है और ये पार्टी, ये सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। हर गाँव का विकास करना ये हमारी है। हम तो चाहते हैं कि गांव का विकास होगा तभी तो प्रदेश का विकास होगा, इसलिए उसी के लिए योजनाएं बनाना, उसी के लिए काम करना, यही भारतीय जनता पार्टी का प्राइमरी उद्देश्य है। सांसद ग्राम योजना भी आप लेकर आए डॉक्टर संजय जी, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे सांसदों के गांव हैं जो कि बिल्कुल आदर्श बनने लायक नहीं है, बुनियादी फैसिलिटीज नहीं है वहां पर, ग्रास रूट पे काम नहीं हो रहा है, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि गांव में बहुत विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं? विकास दिखना भी तो चाहिए कि कोई भी काम एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के जितने भी गांव हैं 6800 के आसपास पंचायतें हैं, 7000 के आसपास पंचायतें हैं, उन पंचायतों सब तक काम का विकास पहुंचना। चलिए डॉक्टर संजय जी बने रहिए आप हमारे साथ, कांग्रेस से कमेंट ले लेते हैं। नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश शर्मा जी नमस्कार, बीजेपी ने कई वायदे किए, कई योजनाएं, कई बड़े नाम लाए, डिजिटल हरियाणा, डिजिटल इंडिया की बात की गई, लेकिन ये सब चीजें गांव में होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? गांव के हालात आज भी वैसे के वैसे क्यों हैं? क्यों बुनियादी सुविधाएं अभी तक कोई भी सरकार गांव में नहीं दे पा रही है? नहीं मैम, वैसे ही होते तो पहले जैसे हालात होते तो बहुत बढ़िया होता, पहले तो बहुत अच्छे हालात थे, हर गली में, हर कोने में, हर कुचे में, हर ब्लॉक में रात दिन काम चल रहे थे विकास कार्य, लेकिन आज तो कहीं भी नहीं है हरियाणा, और ये पता ना कहाँ काम कर रहे, घोषणाएं पे अंबार लगा रहे, धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं देता, कोई योजना गरीबों तक या किसी भी वर्ग के लिए जो ये बनाते वो पहुंच नहीं पा रही। नहीं नरेश शर्मा जी, अब आपके समय में सब कुछ था तो अब कौन इन योजनाओं को पलीता लगा रहा है? नहीं, पलीता कोई नहीं लगा रहा, अनुभव इन सरकार है, इनको पता ही नहीं कि हरियाणा प्रदेश का विकास कार्य की तरफ अग्रसर कैसे किया जाएगा। कोई एजेंडे में तो 154 घोषणाएं थी लेकिन आज वो सिर्फ नाम मात्र रह गई है। ठीक, तो घोषणाएं तो आपके समय में बहुत हुई थी लेकिन उनमें से कितनी कामगर हुई, कितनी असल रूट पर काम कर गई, कितनों को अमली जामा पहनाया गया, ये भी कई सवाल है। नरेश जी फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल कई है कि आखिरकार जब भारत गांव में बसता है तो उस गांव को हम क्यों नहीं देखते, क्यों उस गांव की हम अनदेखी कर देते हैं, क्यों बुनियादी फैसिलिटीज, बुनियादी सुविधाओं से आज भी हमारा गांव अछूत है। वैसे में जो जो गांव हमने दिखाए आपको, तस्वीरें दिखाई,
कोशिश यही है और उम्मीद यही की जा सकती है कि कम से कम इन जगहों पर सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द यहाँ पर काम हो सके। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।